चौधरी की बैठक की कृषि यंत्रों पर दी जाएगी छूट। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी गिरफ्तार, 800 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। लखीमपुर कांड पर राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का प्रेस वार्ता, मनीष सिसोदिया ने सरकार की उपलब्धि गिनाई। सलमान खान को फार्म हाउस फेक के रास्ते में मारने की थी चार्जेस, लॉरेंस गैंग ने दूसरी बार मारने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है जहां दो सगी बहनों को घर से बहला फुसला कर रेप के बाद हत्या के मामले में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बयान सामने आया है। जो भी आरोपी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। वहीं इस मामले पर सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर प्रदेश कानून की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में दो बहनों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हत्या के पहले रेप की पुष्टि हुई, वहीं इसको लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, इस घटना को एक बार पुनः भाजपा और आदित्यनाथ सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को उजागर किया गया है। की घटना ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलितों के प्रति किस तरीके की नफरती सोच और नियत रखता है। लगातार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद घटनाएं बढ़ती चली जा रही। उम्भा में भयानक नरसंहार हुआ अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ, उसके बाद हाथरस में वही पुनरावृत्ति हुई, बुलंदशहर में भी उसी तरीके से घटना को दोहराया गया। आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी, क्या दलित समाज को प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या दलित समाज इस देश के नागरिक नहीं है? उनके लगातार अधिकारों का हनन, बलात्कारियों और हत्यारों का संरक्षण, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति कितनी नफरत रखती है। फिर उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर, मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग ने आज गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय के तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय खोलने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बाल श्रम को कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अभी तक चिन्हित प्रतिष्ठानों से कुछ मासूम बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। समीक्षा मंडल की समीक्षा यहाँ है, अब इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय के निरीक्षण का भी काम अभी 2 बजे के बाद हम लोग जाने वाले हैं। काफी संतोषजनक प्रगति है, दिसंबर में अटल आवासीय विद्यालय सरकार को हैंडओवर होने वाले हैं और अगला सेशन हम चालू करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है। ये कुछ बातों को लेकर आज गोरखपुर की सम्मानित प्रेस के साथ हम बैठे हैं आप सबों का। बिजनौर में शिक्षा मंत्री, पशुधन और चीनी उद्योग मंत्री जनपद के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मंत्रियों ने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद बस स्टैंड का निरीक्षण किया। तीनों विभागों के मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के कामकाज का निरीक्षण किया और जो भी कमियां दिखी उसको लेकर सख्त निर्देश दिए। इसके बाद मंत्रियों ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद तीनों मंत्री जिले के आला अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल भी पहुंचे और साथ ही अस्पताल का निरीक्षण कर NRC का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए DM को बैठक में निर्देशित किया गया। देखिए, योगी सरकार की प्राथमिकता है बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर यातायात, आना जाना ठीक से हो,
आपने देखा होगा यहाँ पर भी स्वास्थ्य के लिए मरीजों की संख्या ठीक ठाक है, और वहाँ पर यातायात रोडवेज पर भी देखा होगा कि वहाँ भी यातायात में यानी यात्रियों की संख्या ठीक ठाक है। प्रबंध के बारे में जानकारी लेना और उसके निर्देश देना यहाँ भी ठीक स्थिति में है, और अभी खामियां देखने के लिए नहीं, खामियां विशेष होंगी तो बताएंगे, लेकिन अभी हमको ठीक ठाक लगा है, ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। महाराजगंज के कई जनपदों में 3 मदरसों की जांच शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस जांच में 9 तनवा SDM, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल रहे। जांच टीम में सबसे पहले भारत नेपाल सुकरौली स्थित मदरसे की जांच की। जांच के दौरान टीम ने बच्चों में शिक्षा के स्तर को निम्न श्रेणी का पाया। यहाँ इतिहास और भूगोल के विषयों पर BSA ने बच्चों से पूछा तो बच्चे का कुछ ही जवाब दे पाए। ऐसे ही सभी मदरसों में कमियां दिखी। फिलहाल अभी जिले के मदरसों की जाँच जारी है। आज हम लोग हरदी डाली के गांव के मदरसे पर खड़े हैं। यहाँ पे 3 सदस्यीय समिति आई हुई है। इस मदरसे की मान्यता नहीं, जो कि मान्यता बंद है हमारे यहाँ 5 सालों से। जब खुलेगी तो ये मान्यता लेंगे। इन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया है लेकिन अभी हम मान्यता नहीं ले पाए, और ये गांव के चंदे से अपना मदरसा चला रहे हैं। 5वीं तक, क्लास 5th तक चला रहे हैं सर। इन्होंने बताया कि पिछले 3-4 सालों से ये चला रहे हैं मदरसे को, और अभी ये जैसे ही मान्यता खुलेगी मान्यता ये ले लेंगे। अधिकारी महोदय ने मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी महाराज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महाराज और SDM नौतनों को इस टीम में रखा गया है। 3 सदस्यीय जाँच टीम गठित की गई है। इनको 5 अक्टूबर तक अपनी जाँच को संपादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और अपनी जाँच सूची को 10 अक्टूबर तक आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को सौंपना है। जांच का उद्देश्य यह है कि मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यहाँ के शिक्षकों द्वारा दी जा रही है अथवा नहीं, और कितने शिक्षक हैं, इनकी आय का स्रोत क्या है, इन मदरसों में मान्यता प्राप्त हैं कि गैर मान्यता प्राप्त है, आदि बिंदुओं पर यहाँ आज त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा जाँच की जा रही है। उसी क्रम में हम इस मदरसे में आए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों की हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाने को लेकर सियासत तेज हो गई। अब इस मामले में नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है, हम पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का काम करेंगे। अमित जानी ने कहा, हम पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करेंगे। लखीमपुर खीरी के निघासन में 2 हिंदू बेटियों की जिस प्रकार से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या की गई, हमें बड़ा क्षोभ है, दुख है, आक्रोश है हमारे मन में। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना उसकी निंदा करती है। हम लोग तत्काल लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकल रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार से मिलें और न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। अब तो साजिशन इरादतन 2 बेटियों का बलात्कार हुआ और फिर उनकी निर्मम हत्या हुई, तो अब कहाँ है प्रियंका दीदी, अब कहाँ हैं राहुल भैया? राहुल भैया यात्रा कर रहे हैं तो प्रियंका दीदी आ जाएं। अब कहाँ हैं माननीय अखिलेश यादव जी और उनके नवरत्न? लखीमपुर खीरी। अलीगढ़ के थाना चंडोस में रहने वाले सपा नेता जावेद चौहान के पुत्र माबूद खा ग्राम रामपुर शाहपुर के स्थानीय निवासी हैं। आपको बता दें कि जावेद का बेटा रिहान अलीगढ़ अपने घर आने के लिए निकला, जिसके बाद वो आते समय रास्ते से लापता हो गया, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जावेद साहब हमारे ये चंडोस के रहने वाले हैं। इनका बेटा 16 साल का लोनी में काम करता है, वो गायब है, और ये सरकार कह दी है कि हर आदमी सुरक्षित है, कि बेटियां सुरक्षित हैं। बेटे तो सुरक्षित है नहीं, बेटियां कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगी, बेटियां गायब हो जाती हैं। तो ये है कि हम लोग कहने आए थे कि उसको देखें, उसको तलाश करें, हम लोग भी तलाश कर रहे हैं और गाजियाबाद की पुलिस भी तलाश कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। रोजी रोजगार रोटी रोजगार तो है नहीं, बच्चे रोजी कमाने जाते हैं तो गायब हो जाते हैं वहाँ से। अब ये कौन सा गिरोह पकड़ लिया बच्चों को, ये मालूम करने की वो है। ये आज हम लोग जो हैं वो सब लोग यहाँ पे इसलिए आएंगे, हमारी पार्टी के एक बहुत ही सक्रिय कार्य जो है वो नेता हैं चंडौत से जावेद भाई, उनके बेटे जो हैं वो लोनी से पिछले 1 महीने से गायब हैं।
तो उसी मसले में हम लोग यहाँ पे पुलिस के उसमें आए थे कि उनकी जगह से मदद मिल जाए, रोनी पुलिस भी लगी, हम चाह रहे हैं कि अलीगढ़ पुलिस भी इसमें अपना क्या कहा गया किस तरीके से। अभी उन्होंने SOG को दे दिया है केस और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पता करके बताएं। सरकार गांव में सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर जोर देती आ रही, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में सामुदायिक शौचालय की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। जिले में इनका निर्माण पूरा होने के बाद भी साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन संबंधित विभागीय की लापरवाही के चलते इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कभी नहीं खुला है, इस पे जो टंकी है उसमें पानी तो शायद कभी जाता हो, बिजली है ही नहीं। कितना दिन हो गया इसको बने? 2 साल से ऊपर हुआ, अभी तक नहीं खुला है ना। जितने शौचालय इस गांव में हैं, एक भी कार्य काम नहीं कर रहे हैं। जो क्या करें, जब शौचालय बना 2 साल से बना, ताला पड़ा है उसमें, तो बाहर ना करें तो कहाँ करें, रोड पे करें और कहाँ करें। टंकी रखी हुई है, उसमें पानी का सप्लाई नहीं लगा हुआ है, खाली दिखावे के लिए रखा हुआ है। तो सरकार तो मना किए ना बाहर, सरकार मना किया तो सरकार आके खुलवाए जी। ये तो 2 साल हो गया बन के, इसको 2 साल से बना हुआ है और ये जब से बना हुआ है तब से ताला लगा हुआ है। ताला आज तक इस पे कौन कार्यरत है, क्या है, कोई सूचना इसकी नहीं है। कभी ताला खुला ही नहीं, गांव से लोग आते हैं, ताला बंद रहता है, कहाँ जाते हैं, रोड पे बैठते हैं। हमारे गांव के रोड के चारों तरफ 500 मीटर में आप कहीं भी देखेंगे वहां गंदगी ही गंदगी है। जिला स्तरीय टीम गठित की गई है, जिला स्तरीय टीमों के द्वारा सारे शौचालयों का सत्यापन कराया गया है। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जो आंगनबाड़ी जो समूह के संचालन द्वारा किया जा रहा है उन पर और पंचायत सचिव या जिला पंचायत अधिकारी जो है हमारे उन पर कार्रवाई की जाएगी और एक DPRO के स्तर से ही इसकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके माध्यम से और फोटो भी मंगाए जा रहे हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे सभी सामुदायिक शौचालय समय पर सुबह और शाम में। नोडल अधिकारी मनीष त्रिघाटिया, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद गौरीगंज PWD गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर नोडल अधिकारी का DM और CDO ने पुष्प देकर स्वागत किया। इसके बाद नोडल अधिकारी ने सराहिदेक में जहां पर बने गौश्रय स्थल, सुजानपुर में बने प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी, अमृत सरोवर सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारी समीक्षा बैठक भी करेंगी। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी की सब्जी मंडी बल्लभगढ़ की है, जहां सीवरेज का गंदा पानी मंडी में भरा हुआ है, जिससे सब्जी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। पूरी मंडी में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। हाल ये है कि सब्जी गोदाम और उसके बाहर तक पानी है, मजबूरी में सब्जियों को यहीं रखा जाता है। इसकी वजह से सब्जियों में बदबू आ जाती है, इस कारण बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मंडी सेक्रेटरी से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सीवर बैंक मार रही है जी, जिसके कारण से ना जी हमने सबको अपने अधिकारियों को सूचित कर रखा है, सबको एप्लीकेशन दे रखी है, सबको बता रखा है भाई ये सीवर बैंक मार रही है। हमारे कच्चे फल सब्जी का काम है, 2 दिन से पूरी मंडी में पानी भरा हुआ है, कोई भी अधिकारी सुन के राजी नहीं है, ना कोई एक्शन सुन के राजी है, ना कोई जॉइंट कमीशन सुन के राजी है, ना कोई कमीशन सुन के राजी है। अपने यहाँ नगर निगम भी है और अनाज मंडी के 2 बूस्टर हैं, वो कहेंगे वो चलाएगा मोटर, वो कहेंगे वो चलाएगा, आज तक तो सारी सही ना हुई है एक भी, जो देखो कोई सी ना कोई सी खराब ही पानी है। बारिश के जो मंडी में जल भरा पानी भरा, अभी तो बारिश नहीं आई जी, बारिश आ तब देखना, तब और बुरा हाल। किस चीज का पानी है? ये गटरों का पानी है। गोंडा के नवाबगंज थाने में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया है। सड़क पर शौरक कर गोंडा अयोध्या हाईवे पर जाम कर दिया है और नाराज लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ के साथ एम्बुलेंस पलटी को पलट दिया। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए नवाबगंज थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रदर्शन करते हुए परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर SHO व 3 सिपाहियों समेत अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।
हरदोई में शिक्षा के मंदिर की तरह नवाजे जाने वाले विद्यालय में युद्ध के अखाड़े में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। आए दिन स्कूलों में शिक्षकों के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल विकासखंड कोथावा के एक सिविलियन विद्यालय में शिक्षकों के बीच विवाद का नया मामला सामने आया है, जिस पर सिविलियन विद्यालय में प्रधानाध्यापक शिवमूर्ति त्रिपाठी और सहायक अध्यापक सत्येंद्र सिंह के बीच उपस्थित होकर लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तो आते नहीं हैं, आते हैं तो अपना बीओलो लिखे, उसमें बीओलो लिखने के बाद उसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर कहते हैं कि जब कहो सर कहते हैं तो अपना वो अपना आवाज़ तेज करके बोलने लगते हैं और कहेंगे हम आपको सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो उल्टा सीधा बोलते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश किया गया, तब से इनका ये रूटीन है डेली नाना स्कूल, लेट आते भी हैं तो उसके बाद में आधा घंटे करीबन रुके खाना वाना खा के और यहाँ पर बीलो लिख करके फील्ड पे चले जाते हैं। उसके बाद में कई दिन तक लगातार नहीं आते। जब इनसे अगर संपर्क किया भी जाए तो बताते हैं कि मैं संडीला में कार्यरत हूँ। लगभग एक महीने से उनका एक रवैया है कि दो एक दिन आना, दो दिन बीलो लिख देना और आकर के जिसमें बीलो लिखते हैं हस्ताक्षर वाले पे उसको मिटा मिटा करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। आज मैंने उनसे कहा कि आप दो सोमवार और मंगलवार दो दिन आप नहीं आए हो और पहले भी नहीं आते हो और ये सब कटिंग करते हो, तो उन्होंने हमसे कहा मैं कटिंग नहीं करता हूँ और ये कटिंग किसी ने दूसरे ने की होगी। तो मैंने कहा यार आप झूठ बोलते हो भाई साहब, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। तो कहा मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं आपको नौकरी करना सिखा दूँगा, जेल भिजवा दूँगा। विद्यालय हटिया मझगवा में जानकारी प्राप्त हुई थी, प्रधानाध्यापक ने बताया उनके और सहायक अध्यापक के बीच में जो है उपस्थिति के लेकर कुछ बात विवाद हुआ था और फिर मैं मौके पर भी गया था, सहायक अध्यापक मिले नहीं। बीलो में आधार कार्ड पे एकत्र करने हैं तो उनके द्वारा वहाँ दर्शाया गया है और मैंने उन लोगों से बयान लिया, अलग अलग जो भी शिक्षा मित्र हैं अन्य स्टाफ जो है उसमें उपलब्ध था, अभी संबंधित शिक्षक का जो है बयान नहीं उपलब्ध हो पाया है, तभी फिर जो जाँच मतलब कम्प्लीट होने के बाद ही निष्कर्ष पर हम पहुँच सकते हैं। अलीगढ़ के थाना चंदौसी में वरिष्ठ उप निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि एक विद्यालय प्रबंधक को मुकदमे में राहत देने के नाम पर यह रिश्वत ली गई थी। वहीं एंटी करप्शन टीम दरोगा को लेकर थाने रवाना हो गई, जहां मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए दरोगा को निलंबित भी कर दिया गया। थाना चंदौस में नियुक्त उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह पर विवेचनात्मक कार्रवाई में प्रतिवादी को लाभ देने के उद्देश्य से पैसे मांगने की सूचना पर भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें उपनिरीक्षक को 40,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में थाना गवाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा साथ ही साथ इसको निलंबित किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 लोग घायल हो गए। वहीं अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसके बाद गंभीर रूप से 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई। मेरे जेठा होता है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? जी धनसारी पे। ना हिदरामई पे। तो काइस पे थे ये? काई पे थे? तिर्री। क्या करते थे ये? काता जी सामान भर के ले जाते सब्जी फब्जी को। अच्छा अच्छा। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले गंगीरी की पुलिस हमारे यहाँ एक्सीडेंट लेके आई थी, जिसमें 4 लोग थे और 4 में 3 को हमने प्राथमिक उपचार देके जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जिनमें 2 की हालत ज़्यादा सीरियस है और पुलिस के द्वारा बताया गया कि ये 4 लोग लोकल में 13 मोड़ कोई पेंट लगती है वहाँ से पेंट करके वापस आ रहे थे, तो किसी अज्ञात वाहन ने ये टिर्री में बैठे हुए थे, टिर्री में टक्कर मार के अज्ञात वाहन भाग गया तो ये 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमारे अस्पताल में ले गई, हमने तत्काल प्रभाव से इनको प्राथमिक उपचार दे के जेएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, एक को अपने पास रख लिया है जो कि हमारे यहाँ एडमिट है।
अलीगढ़ के गांव भरथरी में मकान के विवाद में रिश्तेदारों ने महिला के साथ सड़क पर मारपीट की। आपको बता दें कि महिला से जमीनी विवाद को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके चलते महिला के उसके रिश्तेदारों ने मारपीट कर दी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित SCP कार्यालय पहुंची और शिकायत प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ये शिकायत लेकर के आई हूँ, मेरे साथ में मारपीट की माई वहाँ सभी लोग ये मारपीट करते हैं मेरे साथ में और मुझे घर में नहीं रहने देते। किस वजह से? मकान मेरा है, उन्होंने 2,75,000 रुपये में मेरे से लिया था, मगर अब वो बेईमान हो रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे। और मकान किसके नाम है? मकान किसी के भी नाम नहीं है, उन्होंने बैनामा भी नहीं करा था, कह रहे थे हमारी भांजी लगती हो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे 2 साल बीते, 2 साल बाद फिर उन्होंने ये तो मारा पीटे करते हैं। इसका वीडियो भी है कोई जो? हाँ, वीडियो भी है। गाजियाबाद में नेता को जान से मारने की फिर से धमकी मिली। आपको बता दें कि नेता ने पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर भाजपा नेता पंकज त्यागी ने कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जहां महंत ने साफ तौर पर पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि SHO निलंबित नहीं होते तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। साथ ही पंकज त्यागी ने कहा कि पुलिस विपक्ष के नेताओं से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहती है। पुलिस का तुरंत सूचना मिलती है, पुलिस ने FIR दर्ज करा दिया और उसके बाद मैंने टीम गठित किया तुरंत SPCT2 और CO साहिबाबाद का नेतृत्व में काम करने के लिए, और पूरा टीम लगी है काम करने में। जो जो चिट्ठी आई है उसका पूरा सत्यापन कर रहा हम लोग और किसके माध्यम से इसके ऊपर वेरीफाई करें, पुलिस टीम ट्रेस कर रही और उसका जल्द से जल्द खुलासा करेंगे हम लोग। और साथ साथ उनकी चिट्ठी मिलती है तुरंत हमने उनका गनर भी एक प्रोवाइड किया है और बाकी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं और उनका आसपास इलाका में पेट्रोलिंग बढ़ा दिया और CCTV कैमरा उनके जो भी इलाका में है जो कहाँ रहते हैं वहाँ आसपास इलाका CCTV फुटेज भी ट्रेस कर रहा है और साथ साथ CCTV फुटेज लगाने के भी हमने निर्देश दिए हैं पुलिस का, आसपास रखी सभी निगरानी रख रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस का जो किसी चिट्ठी भी है सब चीज़ हम ट्रेस करके जल्दी केस वर्कआउट करें। मेरा नाम महाश्रीमान मान तंडे है, पशुपतिनाथ अखाड़े से मैं श्री महंत हूँ। मुझे 3 बार मारने की धमकी मिल चुकी है, नूपुर शर्मा जी की वजह से, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की वजह से, हिंदुत्व की वजह से कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता हूँ, मैं रोहिंग्या मुसलमानों को निकलवाना चाहता हूं, मैं बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने देश से निकालना चाहता हूं, इसलिए मुझे धमकी मिल रही है। जिसकी 1 महीना होने को जा रहा है, जिसकी आज तक पूरे गाजियाबाद की पुलिस ने, खासकर इंस्पेक्टर साहिबाबाद ने, मेरा एक बार भी मेरे घर आके झांके नहीं। बलिया में गड्ढे वाली सड़क जानलेवा बन गई है। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच सवारी से भरकर ई रिक्शा पानी से भरे गड्ढे पलट गए, जिसके बाद बाल बाल बचे पैसेंजर की तस्वीर सड़क पर लगे कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से हादसा टल गया। ऐसे में सवाल उठता है कि लापरवाह अधिकारियों पर कब तक सरकार का चाबुक चलेगा। कितने सालों से बना हुआ है गड्ढा? कई वर्षों से, जिनकी नहीं करना, 2-4-5 वर्षों से इसी तरह से बना हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि को और किसी अधिकारी कर्मचारीगण को किसी को चिंता नहीं है, सारे के सारे शौचालय बनकर व्यवहार कर रहे हैं और ये दिन नित प्रतिदिन 20 रिक्शा पलट रहे हैं और तमाम लोग हाथ और पैर टूट रहे, गंभीर रूप से कई लोग यहाँ से रिफर हो रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने कही दिया है? तमाम तरीके से अधिकारी को संज्ञान नहीं है, तमाम SDM और DM महोदय इधर से गुजर रहे हैं, यही से गुजर रहे हैं। अलीगढ़ के SSP कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे थाना इगलास क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उनका 8 साल का बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था, इस दौरान गांव के दबंग युवक उस बच्चे के आसपास आए और उसे जबरन खेत में ले गए और उसे शराब पिलाई। वहीं बालक की चीख सुनकर उसकी माँ मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। साथ ही परिजनों का कहना है कि घटना के बाद थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बच्चे मंदिर पर खेल रहे थे, वहीं मेरा प्लॉट है, वहीं मेरी भैंस बांधती है,
इस बच्चे को ले गया था, मैं यहाँ पर नहीं था। आपके बेटे को? हाँ जी, मेरे बेटे को। मैं यहाँ पर नहीं था, मैं गया था प्लाईवुड लेने के लिए। क्या पता चला? तो पता ये चला, मैं जब तक आया तो ये गया था बाजारम पकड़ के ले गए लड़के को। फिर ये गई थी हमारी घरवाली बचाने के लिए, वो गोबर कूड़ा करने के लिए। तो आवाज सुनी इसकी लड़के की, तो ये भी गए कि क्या कर रही है, तुझे नहीं दिख रहा है क्या कर रहा हूँ। तो इसको भी मारपीट कर दिया इससे। वो बच्चे को किस वजह से ले गया था? दारू पिलाने की वजह से ले गया, दारू पिला रहा था गर्दन बीच के। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? अम्मा खेले आकर मुझे खींच कर ले गया बाजार के खेत में। अच्छा, तो वो मेरी नाल खींच कर दारू पिला रहा था। कौन खींच कर ले गया? मुझे। तो फिर क्या कर रहा था? फिर मुझे मारा और तो चाकू दिखा रहा था। मैंने चीख मारी तो हमारी मम्मी आई, तो हमारी मम्मी को भी मारा था। गोंडा में पुलिस के हिरासत में एक युवक की मौत को खबर को लेकर नवाबगंज चौराहे पर शव को रखकर हजारों लोगों ने करीब 2 घंटे से रास्ता जाम का प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस के वाहन को भी तोड़ा गया। आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। हत्या में शामिल सभी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग भी की। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने जाम को खुलवाया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।